नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं नियाग्रा पर्वत के बारे में, यानी वाटरफॉल। दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से ये है अमेरिका का सबसे मशहूर वाटरफॉल। देखिए खूबसूरत इसकी तस्वीरें और वीडियो। यहाँ पर सर्दियों में पहाड़ी इलाकों का नज़ारा देखने वाला होता है, जो हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। वहीं खूबसूरत वाटरफॉल टूरिस्टों को और उनकी जिज्ञासा को बढ़ा देता है। आज हम ऐसे ही एक फॉल्स के बारे में आपको बताएंगे, जो सबसे ऊंचा और फेमस वाटरफॉल है। इसे नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित ये फॉल है, जो कनाडा के ऑन्टेरियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियाग्रा नदी पर बना है। ये तीन फॉल्स को मिलकर बना है, अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडल वेल फॉल्स और हॉरेशो फॉल्स। ये इनका समूह है जो अमेरिका का सबसे फेमस वाटरफॉल बन जाता है। लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ आते हैं। आपको बता दें कि इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर हर साल लगभग 1.4 करोड़ टूरिस्ट घूमने आते हैं। इसके ऊपर से गिरने वाला भारी मात्रा में पानी इतनी विशालता को बताता है, और जब इसे दूर से देखा जाता है तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य उभर कर सामने आता है। इसके ठीक बिल्कुल सामने एक रेनबो भी आप देख सकते हैं, हमेशा आपको दिखाई देगा। इस फॉल से गिरने वाले पानी की एक नदी बहुत दूर तक बहकर जाती है और वो दो शहरों को आपस में जोड़ती है। इससे कुछ ही दूरी पर एक और फॉल बना हुआ है, लेकिन वो छोटा है। इन दिनों रमेश पुरी जी, जो हमारे खास सहयोगी हैं, वो अमेरिका की यात्रा पे हैं। उनका ये छोटा सा कलेक्शन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि आपको यहाँ पर बैठे बैठे बेहद खूबसूरत जानकारी मिल सके। यहाँ की जो खास बात है वो है कि पूरी नदी के चारों तरफ, जहाँ ये फॉल है उसके चारों तरफ इतनी हरियाली है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ दूर दूर तक आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं दिखाई देगी, बल्कि इस यहाँ के पूरे वातावरण को बिल्कुल साफ़ सुथरा और शुद्ध रखा गया है। इन नदियों के खास पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।